हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका हेवनली मनला एपिसोड नंबर 13 में हम स्वागत करते हैं। मैं पास्टर डेविड अपनी पत्नी स्टेला के साथ प्रभु के वचन को आज सुनेंगे। भजन संहिता 45 अध्याय आत्मा वचन। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें धार्मिकता से प्रेम रखना है और बुराई से नफरत करना है, यही परमेश्वर का भय है। जब हम बुराई से नफरत करते हैं वो परमेश्वर का भय है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 97 उसका 10 अध्याय 97 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। अध्याय 97 वचन 10। हे यहोवा के प्रेमियों, अगर हम यहोवा से प्रेम रखते हैं, बुराई से, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हमें बुराई से नफरत करना है, बुराई से घृणा करो। हालेलुया, हमें बुराई से नफरत करना है। वो अपने भक्तों के रक्षा करने वाला खुदा, हालेलुया, पढ़ेंगे। वो अपने भक्तों के प्राणों को रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। दुष्टों का हाथ से बचाता है। हमें बुराई से नफरत करना है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, उन लोगों की सराहना करते हैं जो अच्छाई से प्रेम रखते हैं, परंतु उन लोगों को क्रूस पर चढ़ाते हैं जो बुराई को फटकारते हैं। हालेलुया। योहन्ना बपतिस्मा, हालेलुया, केवल एक समय के लिए लोकप्रिय हुआ। योहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 35 वचन, हालेलुया, योहन्ना भी, हालेलुया, जो एक जलता और चमकता हुआ दीपक था, वो कुछ देर तक उसके ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यीशु मसीह जो चंगा करने वाला प्रभु था, जो अच्छा शिक्षक था, लेकिन जब उन्होंने मंदिर के व्यापारियों पर छाप उठाया तो लोगों को बुरा लगा। हालेलुया। जब हम बुराई को फटकारते हैं, ऐसे लोगों को ये दुनिया क्रूस पर चढ़ाती है। मेरा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो। हबक्कूक उसका 1 अध्याय 13 वचन, वो पाप को नहीं देख सकता, वो पवित्र खुदा है। मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 46 वचन में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके पिता ने उसे त्याग दिया, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला करके, ये मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पाप की वजह से, उस दुनिया के पाप की वजह से जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। इसीलिए हमें बुराई से नफरत करना है, हमें अंगीकार करना है। भजन संहिता 101 उसका 2 से 4 वचन, हमें अंगीकार करना है, हम ये करेंगे, हम खरे मार्ग पर चलेंगे। हम मन की खराई के साथ चाल चलेंगे। हमें करना है, हमें अंगीकार करना है, हम ऊंचे काम पर चित्त न लगाएंगे, हम कुकर्म के मार्ग पर न चलेंगे। हमें ये निर्णय लेना है अपने जीवन में कि हम बुराई से दूर रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे।
देखो एक पापी मनुष्य हालेलुया एक रोगी स्वर्ग में जा सकता है, एक भिखारी स्वर्ग में जा सकता है, मगर एक पापी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर हमारे जीवन में बुराई है तो हमें उस बुराई को छोड़ना है, हमें बुराई से नफरत करना है। इसलिए यह भजन संहिता कहता है ना, क्या कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से भेद रखा है। अगर हम धर्म से प्रीति और दुष्टता से भेद रखेंगे तो परमेश्वर हालेलुया हमें हर्ष के तेल से अभिषेक करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे अब्बा, हमको आजमाइशों में जाने ना तू दे पिता, बल्कि बुराई से बचा और तेरी राहों पे चला, तेरी बात साथ आए, तेरी बात साथ आए, हे हमारे बाप तू जो आसमां में है, हे हमारे बाप तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी बात साथ आए, हाँ प्रभु साथ आए, तेरी बात साथ आए, हाँ प्रभु तेरी बात साथ हमारे जीवन में आए। हर बुराई से तू हमें दूर रख प्रभु हालेलुया, हमें आजमाइश में न पड़ने दो, परंतु हर बुराई से तू हमें दूर रख खुदा, क्योंकि तू हालेलुया उन लोगों से जो लोग तुझसे प्रेम रखते हैं प्रभु हालेलुया वो बुराई से नफरत रखते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर प्रकार के बुराई से हमें दूर रख प्रभु, ताकि हम धार्मिकता का चाल चले, एक पवित्र चाल चले, एक खरब मन की हालेलुया चाल चले हालेलुया, हर ऊंचे काम से हमें दूर रख हालेलुया, हर बुरे काम से हमें दूर रख प्रभु हालेलुया, परंतु सच्चे मन से एक विश्वास के चाल चलने के लिए तो सहायता कर प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कीजिए पिता, आमेन हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।